जय मसीह की। सभी दर्शकों को मैं ताइमीर आंगू डॉटर्स ऑफ गॉड टीम की ओर से परमेश्वर के राज्य में स्वागत करती हूँ। आज विश्राम दिन है, आप सबों को हैप्पी संडे। परमेश्वर के वचन को सुनने से पहले आइए हम एक वचन पढ़ेंगे, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। पास पीटर 1:23 में लिखा है, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवित और सदा तैरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। परमेश्वर के वचन से प्रभु हमें नया मन देता है, नया समझ, नई बुद्धि देता है। आज विश्राम दिन है, हम परमेश्वर के वचन से फिर से अपने मन को शुद्ध करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद हो स्वर्ग पिता परमेश्वर, इस सुंदर समय में सभी दर्शकों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। आज जो भी वचन सुन रही है, आपके वचन से उनके मन को और सुंदर बनाए और शुद्ध करें। आप हर एक के मन को छुए, प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं, आमेन। प्राइज द लॉर्ड। आज का वचन स्त्रियों के लिए है, आइए हम पढ़ेंगे यर्मिया 31:22 को। परमेश्वर ने अपनी दास यर्मिया का द्वारा हम स्त्रियों के लिए एक सुंदर वचन दिया है, आइए हम इस वचन को पढ़ेंगे। हे इज़राइल कुआरी, जिस राजमार्ग से तुम गई थी उसमें खंभे और झंडे खड़े कर और अपनी इस नगरों में लौट आने पर मन लगा। यह परमेश्वर के वचन हम बेटियों के लिए जो परमेश्वर के साथ में पहले रहा करती थी, जो चर्च जाती थी, प्रार्थना करती थी, लेकिन अब कुछ कारणवश वो परमेश्वर से दूर हो गई है, उन बेटियों को परमेश्वर का वचन कहता है कि जिस रास्ता पे तू गई थी, जिस राजमार्ग से तू गई थी उसमें तू खंभे और झंडे खड़े कर, तो वापस लौटा परमेश्वर के नगरों में और अपने मन परमेश्वर के राज्य में लगे। और आगे परमेश्वर का वचन उन बेटियों के लिए कह रही है जो इस संसार की शक्ति से और संसार की ताकत से अपनी ताकत को ढूंढ रहे हैं, संसार की चमक दमक से आनंद और शांति और चंगाई को ढूंढ रही है। उन बेटियों के लिए कह रही है कि हे भटकने वाले कन्या, कब तक तू इधर उधर फिरती रहेगी? यहोवा की एक नई सृष्टि पृथ्वी पर प्रकट होगी, अर्थात नारी पुरुष की रक्षा करेगी, आमेन। परमेश्वर का वचन उन बेटियों के लिए कह रही है जो भटक रही है, जीवन को दुनिया की ताकत से ढूंढ रही है, उन बेटियों के लिए प्रभु कह रहे कि आप कब तक भटकती फिरेगी, परमेश्वर के राज्य में आप आओ, क्योंकि परमेश्वर के राज्य में एक नई सृष्टि प्रकट होने वाली है, वह स्त्री पुरुष का रक्षा करेगी, आमेन। इस वचन से इंस्पायर होकर डॉटर्स ऑफ गॉड ग्रुप को क्रिएट किया गया है। आज के दिन में कई लोग डॉटर्स ऑफ गॉड के बारे में जानना चाहते हैं। डॉटर्स ऑफ गॉड कोई डिनोमिनेशन नहीं है, ये डॉटर्स ऑफ गॉड एक सेवकाई है, विशेष तौर पे महिलाओं पर केंद्रित सेवकाई है। इस सेवकाई के अंतर्गत महिलाओं को आत्मिक रीति से मजबूत कैसे होना है इस बातों को सिखाते हैं, जैसे एक घर में एक माँ प्रेयर में रहने से उनके बच्चे, उनके पति, उनके घराना में अच्छा एक पॉजिटिव एटीट्यूड ट्रांसफॉर्म होते हैं। एक माँ जब परमेश्वर की इच्छाओं में खड़ा करने से उनके सारा घराना परमेश्वर की घराना में परमेश्वर की योजना पूरी होती है। इन बातों को लेकर परमेश्वर के आत्मिक वचन से डॉटर्स ऑफ गॉड ग्रुप में महिलाओं को आत्मिक शिक्षा दी जाती है। और इस महिला इस सेवा में दुनिया के कई बेटियां यहाँ भाग ले सकती हैं। परमेश्वर ने जिसको रचा है वो सभी बेटियों के लिए है ये सेवकाई, लेकिन फिलहाल यहाँ 256 मेंबर्स है जो ऑनलाइन से प्रभु ने हमें जुड़ा के रखे हैं। और इसमें जो भाग ले रही है, सेवकाई कर रही है, वो प्रभु को बहे मानने वाले बेटियां है। जैसे वचन में लिखते हैं कि इपिसन 2:10 में, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और यीशु में उन भले कामों के लिए सूझे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। प्राइस द लॉर्ड। अभी जितनी बेटियां यहाँ भाग ले रही है, सेवकाई कर रही है, वो पहले से प्रभु का तैयार किया हुआ है। और आप में से भी जो देख रहे हैं, आप सभी इसमें भाग ले सकते हैं। ये सभी महिलाओं के लिए है, महिलाओं के आत्मिक शक्ति को शक्ति से लेकर आत्मिक अधिकार से अपने परिवार को चलाने के लिए ये ऐसा एक सेवकाई है। जैसे वचन में लिखा, स्त्री पुरुष का रक्षा करेंगे। हम महिलाएँ अपने हस्बैंड को बचा सकते हैं, अपना बच्चा को, अपना घराना को,
अपने समाज के हर एक जन को हमारी प्रार्थना के थ्रू से, हमारे आत्मिक युद्ध से हम उसको बचा सकते हैं। आज का वचन यही है। इसलिए जितनी बेटियां अभी दुख में अंधेरा में बैठ रही है, आप लोग परमेश्वर के साथ में, यीशु के साथ में संगति होइए, प्रभु आपको छुटकारा देगा, चंगाई देगा। एक वचन में देना चाहती हूँ, गॉस्पेल 16 का 33 में, संसार में तुम है क्लेश होंगे, तुम रोओगे और बिलाप करेंगे, परंतु संसार आनंद करेगा। तुम्हें शोक होंगे, परंतु तुम्हारे शोक आनंद में बदल जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। इन दिनों में आप जरूर दुख में है, आप शोक में है, और आपके दुख को कोई नहीं समझेगा। आपका पति, आपका बच्चे, आपके घराना नहीं समझेंगे, क्योंकि संसार की समझ ये है कि स्त्रियों का दुख होना ही है, स्त्रियों का जीवन में वो चीज़ को करना है। हर एक परिस्थिति से हमें बहुत दुख मिलती है, हमारा जीवन में चुनौतियाँ ज़्यादा है। इसलिए आपको परमेश्वर के वचन के अधीन में, यीशु के साथ में रहना है। यीशु के साथ रहेंगे तो आप अभी आप रोने से भी आपको कुछ ही देर के बाद, कुछ ही समय के बाद, आपको दुख उठाने के बाद परमेश्वर आपको सुख देगा, आपका दुख आनंद में बदल जाएगा। ये वचन यही दिया है, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने संसार को जीत लिया है। इस वचन के साथ प्रभु आप सबों को आशीष करे। और सभी बेटियां, आप एस्थर है, जिस तरह एस्थर रानी ने पूरे अधिकार के साथ, आत्मिक अधिकार को लेकर अपने सारे राष्ट्र को बचाया था, आप अपने परिवार, अपने मम्मी पापा के लिए एस्थर रानी की तरह आपके द्वारा परिवार उद्धार पाए, आप रूथ की तरह अपने ससुराल वालों के लिए जीवन का कारण बने, आप अबीगैल की जैसा अपने पति के जीवन पर आने वाले उन सभी बुराइयों को दूर करने वाला एक अच्छी औरत बने। आप अपने आप को कमजोर ना सोचे, आप देवोरा की जैसा आप योद्धा है, आप अपने घर में एक योद्धा बनकर आप बैठे परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के वचन के साथ। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबों को आशीष करे, आप प्रार्थना में बने रहे। और जो बेटियां देख रही है, जो अभी तक यीशु को ग्रहण नहीं किया है, आप भी यीशु के पास में आए, यीशु के नाम को लेकर आप प्रेयर के साथ में जिंदगी जिए, आपका जीवन बदल जाएगा। इस वचन के साथ आइए, आप सभी आंखें बंद करें, मैं प्रार्थना करें। धन्यवाद तो शब्द पिता परमेश्वर, आपको महिमा करती हूँ। जितनी बेटियाँ उनके और उनके साथ जितने सदस्य, घर के सदस्य देख रहे हैं, प्रभु आज के वचन के द्वारा हर एक सुनने वालों को आशीष करें। विशेष तौर पे आज का वचन स्त्रियों के लिए है, जो बेटियाँ, आपकी बेटियाँ आंसुओं में बैठ रहे, उनके आंसुओं को पोंछ दे प्रभु, उन्हें रिलीज करे, उन्हें दुख से छुटकारा दिया जाए। जो बेटियाँ आत्मयुद्ध लड़ रही है अपना पति की बचाव के लिए, उन्हें थकने ना दे, कमजोर होने ना दे। जो बेटियाँ अभी तक अंधेरा में है, जो अभी तक आपको ग्रहण नहीं किया है, प्रभु आपके नाम को लेने के लिए, आपके वचन पर खरा होने के लिए, उनको भी आप आत्मिक शिक्षा दी जाए। इस वचन के द्वारा सुनने वाले हर एक जन को आशीष करें, अनुग्रह करें। धन्यवाद यीशु राजा, हर एक जन को छूने के लिए, यीशु के नाम में, आमेन। इस वचन के साथ प्रभु आप सबको आशीष करें। मे गॉड ब्लेस यू।